हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम विंडो डेस्कटॉप इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर वन पे है डेस्कटॉप को कैसे यूज़ करना है, नंबर दो पे मुख्तलिफ फाइल्स और एप्लीकेशन को कैसे ओपन और क्लोज़ करना है, नंबर थ्री पे विंडो को कैसे ट्रांसफ़र और इसको रिसाइज करना है, नंबर फोर पे हम स्टार्ट मेन्यू में रीस्टार्ट, शट डाउन और स्लीप ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर का डेस्कटॉप हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो जो आपको फर्स्ट इंटरफेस नज़र आता है वो आपका डेस्कटॉप होता है। यहाँ से आप अपनी फाइल्स को देख और इनको मैनेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे का सारा जो भी आपको नज़र आ रहा है ये आपका डेस्कटॉप इंटरफेस है, जिसमें आपका अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये माय कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स है, गूगल है, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है, VLC है, फोल्डर पड़ा है, एक्सेल की फाइल है, एंड पे माइक्रोसॉफ्ट एज पड़ा है। ये नीचे आपका टास्क बार नज़र आ रहा है। अगर आप कोई भी विंडो ओपन करते हैं तो आपको अपर राइट कॉर्नर पर थ्री बटन नज़र आते हैं, जिसमें आपका नंबर वन पे है मिनिमाइज बटन, नंबर दो पे मैक्सिमाइज बटन और नंबर थ्री पे आपका क्लोज बटन है। इसमें आप ये देखें, मिनिमाइज बटन है, ये मैक्सिमाइज बटन है और ये आपका एंड पे क्लोज बटन है। तो अगर इन बटन के इस्तेमाल की बात की जाए तो सबसे पहले हम मिनिमाइज बटन पर क्लिक करें, ये हाइड होके टास्क बार पर आ गया है। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको दोबारा शो हो गया। अब मैक्सिमाइज बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हाफ स्क्रीन हो गया है। इसी तरह फुल स्क्रीन करने के लिए दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने आ गया है। अब एंड पे आपका क्लोज़ बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी विंडो क्लोज़ हो जाएगी। अब हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर किसी भी विंडो को मूव और रिसाइज करेंगे तो ये देखें इस तरीके से आप किसी भी विंडो को रिसाइज कर सकते हैं। अगर आप किसी और जगह पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से मूव नहीं होगे, सिर्फ और सिर्फ ये आप टॉप पे इसको माउस को लेके जाएंगे तो तब ये इस तरह मूव होगी। ये देखें इसी तरह अगर हम इसको राइट साइड से देखते हैं तो इसको रिसाइज करना है तो इस तरीके से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बॉटम साइज से इसको करते हैं तो ये देखें इस तरीके से इसको रिसाइज कर सकते हैं। इसी तरह अपर साइड से इसको इस तरह आप रिसाइज कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड से भी इस तरीके से आप मतलब किसी भी विंडो को आप इजीली रिसाइज और मूव कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। तो ये हम क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद हम टास्क बार पे गए, यहाँ पे हमने विंडो को क्लिक किया, इसके बाद पावर बटन को क्लिक किया तो ये तीन ऑप्शन हमें मिले, जिसमें आपका रिस्टार्ट है, शट डाउन है और स्लीप मोड शामिल है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने विंडो डेस्कटॉप इंटरफेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया।